हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपके यूट्यूब चैनल के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। शायद आपको कुछ लोगों को ही पता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आई बटन के बारे में, कि हम अपनी वीडियो के अंदर आई बटन कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको सजेस्टेड में अपनी वीडियोज का लिंक देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो को हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका यूज और कैसे हम उसको जो है यूज करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी वीडियोज में कि मैंने जो है आई बटन कैसे लगाया है। आप अपनी जो है किसी भी वीडियो के अंदर आप आई बटन लगा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जैसे दिखा देता हूँ, एक वीडियो लेके जो मैंने पहले से लगाया हुआ है और बताऊंगा आप कैसे लगा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। तो जैसे मैं अपनी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा आई कार्ड। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के खुल जाएगा, आपकी वीडियो जो है एडिटिंग में आ जाएगी। तो सिंपली आपको जो है आप यहाँ पर अपना जो है अपनी किसी भी वीडियो का जिसका आप प्रमोशन करना चाहते हैं उस वीडियो को जो है आप यहाँ पे हेड कार्ड में आप यहाँ से उठा लीजिए। जैसे मैं आप यहाँ पे आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, वीडियो और प्लेलिस्ट, चैनल, अगर चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मुझे कोई भी वीडियो लेनी है या फिर आप यहाँ पर अपनी जो है वीडियो का कोई भी URL यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो है क्रिएट कार्ड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और उसको जो है सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट कार्ड, तो सिंपली क्रिएट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो है 4 सेकंड के बाद जो है आपका जो यहाँ पे जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है आई कार्ड बटन आपको मिल जाएगा। सजेस्टेड में आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इससे आपकी इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी वीडियो का प्रमोशन भी हो जाएगा दूसरी वीडियो का, और जो आपकी वीडियो ये देख रहा है तो वो सिंपली जो है आपकी वीडियो को क्लिक करेगा ही। और उसके बाद यहाँ से आप जो है 1 से 5 तक कार्ड लगा सकते हैं। तो चलो मैं आपको दूसरा कार्ड लगा के दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और दूसरी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट कार्ड कर देता हूँ। लिंक भी आप डाल सकते हैं वीडियो का जो भी आपको पसंद है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से आप यहाँ पे अपने जो है कार्ड्स लगा सकते हो, जिसको हम आई बटन भी बोलते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा किसी भी वीडियो में जो अपनी वीडियो में नोटिफिकेशन या सजेस्टेड में देते हैं कि आई बटन पे क्लिक करें, तो वो यही चीज़ होती है। सिंपली आपको यहाँ टाइमिंग पर क्लिक करना होता है, कहीं भी आप टाइमिंग पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ऐड कार्ड कर लीजिए और अपनी जो है कोई भी वीडियो यहाँ से आप क्रिएट कार्ड कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं जो मैंने टाइमिंग लगाई थी, आप यहां पे अपने 1 से 5 तक वीडियो आप यहां पे लगा सकते हो। सिंपली आपको वीडियो सिलेक्ट करनी है, क्रिएट कार्ड पे क्लिक करना है और ओके कर देना है आपको यहां से। और आप देख सकते हैं मैं यहां लगा देता हूं अपनी एक और वीडियो, जैसे मैं वीडियो लगा देता हूँ यहाँ पर। और सिंपली आपको क्रिएट ऐड पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने 5 वीडियो यहाँ पर लगा दी है, तो मेरी 5 वीडियो का प्रमोशन होगा। तो कोई भी अगर मेरी वीडियो देखता है तो मैं जैसे बता दूँ कि मेरे आई बटन पे क्लिक करें, आपको यहाँ से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, आप सिंपली वीडियो का लिंक भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है वीडियो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बैक करना है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है यहाँ पर। चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ अगर आपकी समझ नहीं आए। जैसे मेरी मान लीजिए लेटेस्ट वीडियो है और आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा आपकी जो है वीडियो पे, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग्स, ऑडियो एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसे मेरी आज की वीडियो है आई कार्ड के रिगार्डिंग आई बटन। तो सिंपली आपको करना क्या है, कोई भी वीडियो सिंपली आपको जो है एड कार्ड पर क्लिक करना है, क्रिएट कार्ड। आप यहाँ से कोई भी अपनी, जैसे मैं वीडियो ले लेता हूँ, आप यहां से 1 से 5 तक वीडियो आप जो है लगा सकते हैं। और मैं अपनी दूसरी वीडियो ले लेता हूं,
और सिंपली आपको क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है अपनी टाइमिंग के हिसाब से, जहाँ से आपको जो है लिंक देना है वहाँ पे सिंपली आपको टैप करना है और अपनी क्रिएट कार्ड को आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपनी वीडियो को। आप यहाँ से लिंक भी डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं अपनी वीडियो का, यहाँ पे आप देख सकते हो और एंटर है यूट्यूब वीडियो और प्लेलिस्ट यूआरएल। तो सिंपली आप जो है यहाँ से अपनी वीडियो का यूआरएल भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्ड लगा दिए हैं, इसे यहाँ पे मुझे 5 कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी जो है वीडियोज़ का प्रमोशन होगा। तो सिंपली आपको जो है बैक कर देना है, आपका जो है आई कार्ड का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं हमारा आई जो है बटन सही से वर्क करता है या नहीं। था इस वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है क्लियर कर दूँगा।